सबसे पुराना रिकॉर्ड जो हमें मिलता है रामायण का वो 6th सेंचुरी का है, जो कि कलकत्ता में मिला था। और सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि उस रामायण में केवल 6 ही कांड है। युद्ध कांड पे वो रामायण समाप्त हो जाती है। जय श्री राम मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं रामायण के उत्तरकांड के बारे में। सबसे बड़ा झूठ है रामायण का, ये पहले रामायण में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है रामायण में। और सारी भ्रांतियाँ, जितनी भी गलत चीज़ें हैं, वो बाद में इसी कांड के अंदर जोड़ी गई हैं। और मैं आपको ये सिद्ध कर दूंगा, कई उदाहरण दूंगा, रामायण के अंदर से ही दूंगा, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि उत्तरकांड बाद में मिलाया गया है। जो ओरिजिनल रामायण थी, जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, वो सिर्फ युद्ध कांड तक ही लिखी गई थी, और उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, यानी बाद में मिलाया गया है उसे। मैंने आर्काइव से ओरिजिनल डाउनलोड किया था, पूरी संस्कृत में है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को। और उसके बाद तो जैसे कोई द्वार खुल गया हो। जितनी अनर्गल चीज़ें हैं, जितनी अपयश बातें हैं राम जी के बारे में, वो सब जोड़ दी गई हैं उत्तरकांड के अंदर अंदर। युद्ध कांड का अंत आप सबको ज्ञात है, रावण का वध करके राम जी वापस लौट आते हैं सीता जी को लेकर लक्ष्मण जी के साथ, और राम जी का राज्याभिषेक होता है। अब जानते हैं राम राज्य के बारे में क्या कहा है वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में। इस श्लोक से अर्थ निकलता है, सबके लक्षण संपन्न थे, यानी अच्छे लक्षण थे, और सब धर्म का पालन कर रहे थे, और राम जी ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। फिर इसके आगे आती है फलश्रुति। अब जानते हैं फलश्रुति क्या होती है। आपने देखा होगा हर पाठ, हर चालीसा के अंत में फलश्रुति होती है, यानी बताया जाता है कि इस पाठ को करने से या इस आरती को करने से क्या लाभ होगा आपके जीवन में, या क्या प्रभाव उसका आपके ऊपर पड़ेगा। और युद्ध कांड में ये फलश्रुति मिलती है। मैं अर्थ समझा देता हूँ उसका। श्लोक आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि जो भी इसका पाठ करेगा या जो भी इसे सुनेगा, वो यशवान होगा, दीर्घायु होगा और भाग्यशाली बनेगा। उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और वो अपने सारे दुखों पर विजय प्राप्त कर लेगा। ये फलश्रुति तभी कही जाती है जब किसी पाठ का, किसी कहानी का, किसी आरती का अंत हो रहा हो। ये था पहला प्रमाण। अब दूसरा प्रमाण देखते हैं। विभीषण जी ने रावण को हनुमान जी का वध करने से रोका और उन्होंने ये बोला कि जो संदेशवाहक है, मैसेंजर है या दूत है, उसको कभी मारा नहीं जाता, ना ही ऐसा पहले कभी किया गया है। इसे याद रखिएगा, विभीषण जी ने ये कहा था कि दूत को कभी मारा नहीं जाता और ना ही कभी मारा गया है, ऐसा ना कोई उदाहरण इसका मिलता है इतिहास में। इसके विपरीत उत्तरकांड में उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि रावण ने कुबेर के दूत का वध किया था। अगर ये सत्य है तो फिर विभीषण ने ऐसा क्यों कहा युद्धकांड में कि दूत को मारने की घटना पहले कभी नहीं हुई है। और याद रखिए, विभीषण के आचरण में नहीं था कि वो झूठ बोलें। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है जो कि रामायण में मिलता है, जिससे पता चलता है कि उत्तरकांड में जो बात लिखी हुई है वो झूठ है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि रावण ने कुबेर के दूत का वध किया था। अब युद्ध कांड के अंत में कुछ और श्लोक हैं जो कि राम राज्य का वर्णन करते हैं। श्लोक आपके सामने हैं, सार समझा देता हूँ इनका। ये सीधा सीधा यही कह रहे हैं, मैंने पहले ही आपको एग्जाम्पल बता दिया है कि राम का राज्य था वो 10,000 साल तक चला था, और उसके अंदर कोई बीमारी नहीं थी, कोई आपदा नहीं थी, कोई दुख नहीं था उन्हें, और प्रीमेच्योर डेथ नहीं होती थी, यानी कि बच्चे अपने माता पिता से पहले नहीं मरते थे, सब दीर्घायु होते थे, ना कोई चोरी, ना कोई डकैती, कोई भी व्यक्ति अपने आप को मूल्यहीन महसूस नहीं करता था, तो राम राज्य संपूर्ण था। फिर हमें इसके विपरीत उत्तरकांड में उल्लेख मिलता है, एक ब्राह्मण के बच्चे की मृत्यु हो जाती है केवल इस कारण से कि राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा था। अपने पुत्र को खोने के दुख में ब्राह्मण खाना पीना त्याग देता है। इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा राम जी ऋषियों से करते हैं। नारद मुनि उन्हें ये बताते हैं कि राज्य में कोई शूद्र हो ना हो तपस्या कर रहा है, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई है, क्योंकि त्रेता युग में शूद्र को तपस्या का अधिकार नहीं था। ये सब देखकर राम जी अपने विमान में चढ़ते हैं और वो शूद्र की खोज करते हैं। शंभुक उन्हें मिलता है, वो शंभुक से कारण पूछते हैं। शंभुक ये बताता है कि वो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, वो तपस्या कर रहा है इसी वजह से। इतना सुनने के बाद ही
राम जी अपनी तलवार निकालते हैं और शंभु का सर धड़ से अलग कर देते हैं। और ऐसा करते ही जो मृत शरीर होता है ब्राह्मण के पुत्र का, उसमें दोबारा से जीवा आ जाती है और वो जीवित हो जाता है। अब राम जी के चरित्र पर जाइए एक बार। राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। निषाद राज के लिए भी उनके हृदय में बहुत सम्मान था। वानर जाति के साथ उन्होंने गठबंधन किया, विभीषण जैसे राक्षस को शरण दी। ये उनके चरित्र से बिल्कुल मिलता ही नहीं है कि वो बिना कुछ सोचे समझे किसी व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर देंगे। जब श्री राम जी रावण को एक मौका दे सकते हैं अपनी भूल सुधारने का, तो क्या वो शंभुक को नहीं देते? ये बिल्कुल भी राम के चरित्र से मेल नहीं खाता। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ, हर वो कथन जो राम के चरित्र के विरुद्ध जाता है उस पर आप विश्वास ना करें। दूसरा, ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट करता है दोबारा से युद्ध कांड में जब कह दिया गया है, कोई आपदा कोई विपदा नहीं आई, कोई दुख नहीं पहुंचा किसी को, कोई प्रीमेच्योर डेथ नहीं हुई है जब राम के राज्य में, फिर उत्तर कांड में कहां से इतनी सारी परेशानियां आ गईं प्रजा में? सोचने वाली बात है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उत्तर कांड काल्पनिक है, उसके अंदर मिलावट हुई है। ये था प्रमाण 3। अब चौथा प्रमाण देखते हैं, जो कि मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रमाण है। श्रीमद् रामायण जो है वो महाभारत से भी पहले लिखी गई है। महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख होता है और युधिष्ठिर को श्री राम जी की पूरी कहानी मार्कंडेय ऋषि सुनाते हैं। मगर इसमें भी जो ऋषि मार्कंडेय हैं, रामायण को खत्म कर देते हैं युद्ध कांड तक। उत्तर कांड का कोई उल्लेख नहीं मिलता महाभारत में, ना शंभुक वध का, ना सीता जी के त्याग का, ना ही लव कुश का। सिर्फ युद्ध कांड तक ही कहानी महाभारत में भी रामायण की बताई गई है। अब एक और एग्जाम्पल दूंगा और यहाँ पर कोई श्लोक नहीं दूंगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, एक संवाद करूंगा बस आपसे। बस एक प्रश्न है मेरा आपसे। उत्तर कांड में ही हमें ये कहानी मिलती है कि राम जी सीता जी का त्याग कर देते हैं। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दे दी थी युद्ध कांड में ही। उसके बाद भी जब सिद्ध हो जाता है सभी देवी देवताओं के सामने कि सीता जी पवित्र हैं, और सिर्फ राम जी एक धोबी के कहने पर सीता जी का त्याग कर देते हैं। ध्यान रखिए, रानी किसी राज्य की माता के समान होती है, जो राजा होता है वो पिता के समान होता है। कितने आश्चर्य की बात है और कितनी शर्म की बात है। आज भी इसे जो धारावाहिक चलते हैं उनके अंदर दिखाया जाता है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि उत्तर कांड में कितना बड़ा झूठ बोला गया है हम लोगों से। राम जी सीता जी को कभी नहीं निकालेंगे, ये राम के चरित्र में नहीं है। मैं अकेला नहीं हूँ जो कि इन कुरीतियों को उजागर कर रहा है। मैं क्रेडिट देना चाहूँगा यहाँ पर थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल को, द स्किन डॉक्टर को और कुमार विश्वास जी को भी, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है इसके ऊपर। जो आर्काइव लिंक है चंपू रामायण का, पूरी संस्कृत में है, मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूँ, पढ़ सकते हैं आप लोग। सक्षम है तो पढ़ लीजिएगा, प्रिंट उतना अच्छा नहीं है तो पढ़ने में शायद आप लोगों को मुश्किल हो, मुझे भी काफ़ी हुई है। कुछ मिनट इस वीडियो को और देखिएगा। मैंने श्रीमद् रामायण और रामचरितमानस के बीच में जो अंतर है उनका एक कंपैरिजन किया है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा क्या क्या बदलाव आए हैं रामचरितमानस में मूल रामायण से। भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं उत्तर कांड की वजह से, उसका परिणाम यह है कि वामपंथियों के हाथ में एक हथियार पहुंच चुका है जिससे वो हिंदुओं की आवाज़ को दबा सकते हैं। अब अगर हम उन्हें बोलेंगे कि हम जाति प्रथा में नहीं मानते, तो वो दिखाएंगे कि भाई आपके राम ही हैं जो जातिवाद में मानते हैं। अगर हम बोलेंगे हम स्त्री का सम्मान करते हैं, तो वो उदाहरण देंगे राम जी का जो उन्होंने सीता जी को निकाला था। समझिए इस बात को कि उत्तर कांड की वजह से हिंदू कमजोर पड़ जाते हैं वामपंथियों के सामने, हमें जवाब देते नहीं बनता। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो महापुरुष हैं, वो एग्जाम्पल सेट करते हैं, और जब वही गलत काम करेंगे तो लोग तो हम पर उंगली उठाएंगे ही, हम उनका उदाहरण कैसे दे सकते हैं? दूसरी बात, जो हिंदू होके गलत काम करता है वो तुरंत उदाहरण दे देता है राम जी का कि भाई राम जी ने शंभुक का वध किया था, एक शूद्र को तपस्या नहीं करने दी राम जी ने, हम क्यों करने दें? तो ये जातिवाद हो गया और नारी के विरुद्ध आचरण जो हो गए, उसके बचाव में उत्तर कांड आ जाता है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आपको समझना पड़ेगा और इसे जड़ से खत्म करना पड़ेगा। उत्तर कांड में विश्वास करना बंद कर दीजिए, ये हमारी कमजोरी बन चुका है। और जितनी भी मिलावट हुई है ये मुगल और ब्रिटिश काल के अंतर्गत ही हुई है।
ये लोग हर चीज तो खत्म कर नहीं सकते थे, जो अच्छा है वो तो ये मिटा नहीं सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, कुछ पैसे के लोभी ब्राह्मणों को इन्होंने अपने साथ लिया और उन पाखंडी ब्राह्मणों ने, पंडे पुजारियों ने अपने अंदर की बुराइयों को प्रमाणिक करने के लिए, उनको सहारा देने के लिए उनके लिए एक वजह निकाल ली। अगर इनसे कोई सवाल करता है कि ये आचरण विरुद्ध है तो वो तुरंत रामायण या फिर किसी भी ग्रंथ में जिसमें मिलावट की गई है वो दिखा के बोल सकते हैं मेरा आचरण भी उचित है, वेद अनुसार है या ग्रंथों के अनुसार है। और ऐसे ही कर करके धीरे धीरे मिलावट की गई। अब सोच लीजिए, एक पूरा का पूरा उत्तर कांड ही डाल दिया है तो श्लोकों के अंदर कितनी मिलावट की गई होगी, अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो सावधान रहिए, ये गुड्डे गुड़ियों की कहानियां नहीं है, परी परियों की कहानियां नहीं है। राम कल्पना नहीं, हमारा इतिहास है। और रामायण में एक ही बात सिखाई गई है, किसी भी परिस्थिति में धर्म का पालन हो। और जो राम को करते हुए दिखाया गया है और उत्तर कांड के अंदर, उन सारे बातों के विरुद्ध चला जाता है रामायण। पति धर्म नहीं निभाते हैं, राज धर्म नहीं निभाते हैं राम। जो भी उनकी अच्छे आचरण दिखाए गए हैं, जो भी उनके सद्गुण दिखाए गए हैं, जितनी भी बातें उत्तर कांड में डाली गई हैं वो बिल्कुल राम के चरित्र के विपरीत है। ये सब षड्यंत्र था राम जी की जो शिक्षा है उसको मूल्यहीन बनाने का, ताकि कोई उन पे विश्वास ना करे और लोग अधर्म के पथ पे चल सके, समाज में जातिवाद और फैले और स्त्रियों के अधिकारों का हनन किया जा सके। इसीलिए उत्तर कांड को जोड़ा गया है रामायण में। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि शांत मन से इस वीडियो को एक बार देखें, समझने की कोशिश करें। मैं भी राम भक्त हूं, मैं भी राम में उतना ही विश्वास करता हूं जितना आप करते हैं। पर हाँ, जो बातें राम के विरुद्ध हैं, चाहे वो रामायण में ही क्यों ना लिखी गई हो, मैं उन पे विश्वास नहीं कर सकता। ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है कि जो जो झूठ लिखे गए हैं राम जी के चरित्र के विपरीत, मैं उनको उजागर करूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर मुझसे कोई बात छूट गई है तो आप उसको कमेंट में ऐड कर सकते हैं, मैं कमेंट को हाईलाइट कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।